माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का एक ही काम साथियों और दोस्तों, किसी पार्टी को चलाने के लिए चार का की जरूरत होती है, चार का की, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। पिछले दिनों जब आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ाई, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने अपनी आवाज बुलंद की, जब उत्तर प्रदेश की इस बेईमान सरकार को यह बताया कि कोरोना के संकट काल में जब पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, शमशानों के अंदर लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं, इस कोरोना के काल में योगी की सरकार ऑक्सीमीटर खरीदने के नाम पर घोटाला कर रही है, थर्मोमीटर खरीदने के नाम पे घोटाला कर रही है, एनालाइजर खरीदने के नाम पे घोटाला कर रही है, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और इसके खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी तो हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं बोलेगी, याद रखना। ये पार्टी हमने भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बनाई, ये पार्टी हमने गाड़ी बंगले और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं बनाई, ये पार्टी हमने बनाई है आम आदमी के बुनियादी मुद्दों के लिए संघर्ष करने के लिए बनाई, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बनाई। और इसके लिए अगर योगी बाबा को लगता है कि 13 मुकदमे लिखने से उनकी बदर घुड़की से मैं डर जाऊंगा, तो मैं योगी जी तुमको कहना चाहता हूं, 13 नहीं, 1300 मुकदमे लिखो उत्तर प्रदेश के थानों में, बदर घुड़कियों से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये बहुत मुकदमे हमने देखे, बहुत जेल देखी, बहुत लाठियां खाए, इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। और तुम्हारे उत्तर प्रदेश के 1700 थानों की पुलिस अगर लगा दी जाए तो मेरी जिंदगी का एक क्षण कम नहीं कर सकती, और तुम्हारी पूरी ताकत लगा दी जाए सत्ता की तो भी मेरी जिंदगी का एक क्षण बढ़ा नहीं सकते, तो तुमसे बेईमानों में डरूंगा क्यों? डरना है तो सिर्फ उस नीली छतरी वाले से डरना है, ऊपर वाले से, इन बेईमानों से बिल्कुल नहीं डरना। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आज एक कार्यालय शुरू हो गया, यहां हमारे फ्रंटल संगठनों के लोग भी कार्यालय में बैठेंगे नियमित रूप से और अपना कार्यक्रम चलाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, वो चाहे CYSS हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे यूथ के संगठन हो, किसान के संगठन हो, SC ST के संगठन हो, माइनॉरिटी के संगठन हो, ये सारे संगठन यहां से संचालित होंगे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पार्टी का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, ऑक्सीमीटर अभियान जो हमारा चल रहा है, जन जन गांव गांव में जाके हम जो ऑक्सीमीटर अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अभियान भी यहां से संचालित होगा। और जो भी पार्टी में जुड़ना चाहे, यूथ विंग में, CYSS में, महिला में, फ्रंटल संगठनों में, उन सबको बोलिए यहां आए, संपर्क करें, पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी की ताकत बढ़ाएं और हम सब मिलकर आगे काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे और इनकी बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे, इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। आपसे भाजपा ही कहते हैं चाइना के सामान का बहिष्कार करो, हम भी कहते हैं चाइना के सामान का बहिष्कार करो, हम भी कहते हैं कि सीमा पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चीन के सामानों का उपयोग मत करो। लेकिन योगी बाबा, तुम्हारे फर्जी राष्ट्रवाद का खुलासा हो गया, और वो खुलासा यह है कि 1,45,000 का हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो मिलता है सरकारी पोर्टल पर, उसका दाम जेम पोर्टल पे दिया हुआ है 1,45,000 का,
भारतीय कंपनी से योगी सरकार ने नहीं खरीदा, वो विदेशी कंपनी से, चीन की कंपनी से, दुश्मन देश की कंपनी से, वो देश जिसने हमारे जवानों को शहीद किया उस कंपनी से खरीदने का भ्रष्टाचार करने का काम करते हो। तुम्हारे चेहरे को बेनकाब न किया जाए तो क्या किया जाए योगी जी बताओ? तुम्हारे तो परिवार भी नहीं है, आपको भ्रष्टाचार करने की जरूरत क्या है? आप अपने आप को योगी कहते हैं? आपने तो कांग्रेस वालों के भी नाक काट दिए भ्रष्टाचार में। आप बताइए, कल मैं एक टीवी चैनल में देख रहा था, एक पत्रकार को सुन रहा था, उन्होंने बताया ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर कहां से खरीदा गया? कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जो बिल्डिंग बनाती है उससे ऑक्सीमीटर बाबा खरीद रहे हैं। आप बताओ ये भ्रष्टाचार खोला जाए कि नहीं खोला जाए? चाय की दुकान में कंपनी चल रही है, वहां से ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदा जा रहा है। कॉलेज के स्कूल के पते पे कंपनी चल रही है, वहां से ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीदा जा रहा है। और तो और, गल्ला बेचने वाली कंपनी से भी ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीद रहे हैं। बाबा जी आप बताओ इसको खोला जाए कि ना खोला जाए? गल्ला बेचने वाली कंपनी, गल्ला तो पेट भरता है, और बाबा और उनकी सरकार का पेट ये ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का भ्रष्टाचार भर रहा है। इसलिए साथियों और दोस्तों, ऐसे तमाम खुलासे करने होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधीकरण के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने के लिए सड़क से संसद तक हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और एक क्रांतिकारी गीत जो हम लोग हमेशा ऐसे मौकों पर गाते हैं, वो आप लोग साथ में मिलके गाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम इंकलाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम इंकलाब है। रुके न जो, रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों, मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता बनाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम इंकलाब है। रुके न जो, रुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के, जाति के, धर्म के, भाषा और देश के, बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम इंकलाब है। रुके न जो, झुके न जो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम, वीरों की ये बात। भाई कायर का नहीं काम भैया, कायर का नहीं काम, सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले।
निकले 306 परिणाम रे, कायर का नहीं नाम। तीनों की यह गाठ भाई, कायर का नहीं नाम रे भैया, कायर का नहीं नाम।